हैप्पी महाअष्टमी माय डियर फ्रेंड्स। आई जस्ट होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है महाअष्टमी, हम लोग सब रेडी होने वाले हैं, अभी मंडप में जाएंगे अंजलि देने के लिए। और आज मैं ये प्यारा सा वाइट एंड रेड में साड़ी पहनने वाली हूँ। ऑलमोस्ट हम पूरा फैमिली ने एक रखा हुआ था कि वाइट एंड रेड में ही पहनेंगे। मैं बनाती हूँ डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग, तो चैनल पर अगर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और ब्लॉग पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड कमेंट। मेरा और समायरा का अष्टमी वाला लुक आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलें। तो ये है वो रास्ता जहाँ से चलते हुए हम लोग मंडप की ओर जा रहे हैं। बचपन की यादें जुड़ी हुई है इस रास्ते से। तो ये है हमारे कॉलोनी का मंदिर प्रांगण, जहाँ पर कुछ लोग अंजलि दे रहे हैं और कुछ लोग वेट कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ था, तो हमने सोचा कि इसके बाद वाले बैच में हम लोग अंजलि देंगे। वैसे तो अंजलि काफ़ी जन दे रहे थे, लेकिन इस प्यारी सी बच्ची का डेडिकेशन देख के मैं दंग रह गई। सो दुर्गा माँ का लाइव दर्शन करा रही हूँ मैं कोलकाता से, आप सभी की मनोकामना माँ पूरा करे। सो लाइफ के पहली बार, मतलब माँ की कृपा ही थी कि एकदम मंदिर प्रांगण के अंदर घुस के मैंने फर्स्ट टाइम अंजलि दिया। बेसिकली अंजलि में पुरोहित कुछ मंत्र पढ़ते हैं और हमको उनके पीछे पीछे रिपीट करना पड़ता है। या वेल, बहुत ही अच्छे से हमने अपना अंजलि दिया और यहाँ आके हम लोग फंस गए। हमारा अंजलि ख़त्म होते ही इतना ज़ोर से बारिश होने लगा यहाँ पर, हम लोग अटक गए यहाँ पर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वेदर फोकस्ड ही है कि पूरा पाँचों दिन बारिश होगी, तो वो देखने को भी मिल रहा है। तो प्यारा सा एक बेबी मिला मुझे मंडप में, बहुत ही प्यारा था। सुतं रुद्रं तं राहुं प्रणमाम्। इतना देर में जाके अभी थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा शांत हुआ है, नहीं तो हर तरफ से माइक का इतना जोर जोर से आवाज़ था, कुछ सुनाई नहीं देता था। तो अभी हम लोग का अंजलि बहुत अच्छे से हो गया है, हम लोग घर में आ गए हैं और खा रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, अमरुद माँ का, प्यारा माँ का हमारे बंगाली में बोलते हैं। अमरूद को मिर्च मसाले से थोड़ा सा मिक्स करके बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो वही खा रहे हैं। और लंच का भी जो अरेंजमेंट है वो हमारे मंडप की तरफ से ही किया गया है। तो बारिश हो रही थी, ज़्यादा देर बैठना हुआ नहीं वहाँ पर, हम लोग अभी घर आ गए। थोड़ी देर बाद रिलैक्स करके हम लोग मंडप की तरफ जाएंगे लंच करने के लिए, फिर शाम को भी हम लोग घूमने निकलने वाले हैं, तो वीडियो को मिस नहीं करना। नहीं कहाँ मानने वाली थी मम्मी, चेंज करा कर ही दम लिया। अभी हम लोग कुछ भी नहीं सुनाई देगा, कुछ भी बोलूँगी नहीं सुनाई देगा, चारों तरफ से माइक बज रहा है। तो अभी हम लोग लंच करने जा रहे हैं मंडप की तरफ, और मम्मा मानी नहीं, चेंज करा करिए दमिया, बोला नहीं वाइट साड़ी पहन के नहीं खाना है, वो पूजा का साड़ी है, तो मुझे मजबूरन चेंज करना पड़ा। अभी मैंने ये वाला साड़ी पहना है, ये वैसे मेरी मम्मा का ही साड़ी है।
बस से था, तुम्हारा कुर्ता भी चेंज करा कर छोड़ती। बोला तो था संजू को कि काफ़ी बार चेंज करो, लेकिन ये बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी समारा का भी वही ड्रेस है। वैसे तो हमारे कॉलोनी में पांचों दिन ही खाने पीने का अरेंजमेंट किया होता है, तो अंजलि देने के बाद यहाँ पर स्पेशली लूची यहाँ पर पूड़ियों को बोला जाता है। तो पूड़ी दाल और एक सब्जी का बेसिकली अष्टमी के बाद होता है, नवमी का अलग ही मेनू रहता है, हर दिन का बेसिकली अलग अलग मेनू रहता है। जस्ट इसी वीडियो के बाद एक सेकेंड पार्ट भी आने वाला है इसी वीडियो का, वो देखना भी मत भूलिए। तो शाम का वक्त हो गया है, अभी बैठ के चाय पी रही हूँ और एनर्जी गेन कर रही हूँ, क्योंकि अभी शाम को पूरा पंडाल परिक्रमा करना है हमको।